पुरुष केवल तीन चीजों के पीछे भागता है, छाया अर्थात सहारा, संबंध काय अर्थात सुंदर सुबल शरीर, और तीसरी मां अर्थात ऐश्वर्य। अब अचंभित करने वाली बात यह है कि समय आने पर यही तीन वस्तुएं हैं जो सबसे पहले आपका त्याग करती है। अंधकार में छाया आपको त्याग देती है, बुढ़ापे में काया आपको त्याग देती है, और अंत में ये माया भी आपको त्याग ही देती है। ये कुछ काम नहीं आता जिसके पीछे आप जीवन भर दौड़े जा रहे थे। यदि कुछ काम आता है तो वो है आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार जो आपने संसार को दिया। ये प्रेम ही है जो अंधकार में दिया बनकर आपको प्रकाश देगा। ये प्रेम ही है जो बुढ़ापे में हाथ बनकर आपको शक्ति देगा, सहारा देगा। और जब आपके पास धन नहीं होगा तब यही प्रेम आपको संयोग देगा। इसलिए इस जीवन में यदि कुछ कमाना है तो केवल प्रेम कमाई। यदि आप भी मेरी भांति दूर की सोचते हैं तो केवल प्रेम कमाई। और आप इसी प्रेम के साथ कहीं राधे राधे। संसार में नियति बहुत कुछ निश्चित करती, जैसे हर एक वस्तु की सीमा। शरीर से जाने वाला जल, उसकी सीमा भी यह नियति निश्चित कर चुकी है। कैसे? देखिए, यदि आपने उचित समय पर परिश्रम करके अपना पसीना नहीं बहाया तो कुछ समय पश्चात आपको अश्रु अवश्य बहाने, क्योंकि सब कुछ यदि भाग्य से मिल भी जाए उसे कर्म से रक्षित करना पड़ता है। यदि परिश्रम करते रहोगे तो जो पाया है उसे सहेज कर रख पाओगे, और जो आप पाना चाहते हैं वो अवश्य पा लोगे। किंतु यदि परिश्रम से दूर रहे तो जो पाया है उसे तो खो ही दोगे, और जो पाना चाहते हैं उसका तो प्रश्न ही नहीं होता, और बहाओगे तो केवल अश्रु। अब चयन आपका है, क्या बहाना चाहेंगे, पसीना या अश्रु। राधे राधे। तभी आप किसी झरने के पास बैठे और बस ध्वनि सुनी। आहा, वो ध्वनि मन को शांति कर देती है, हमें एक आनंद सा भर देती है। वैसे मैं कहता हूं नैसर्गिक संगीत। अभी सोचा है ये संगीत उत्पन्न करने के लिए जल को कितने परिश्रम करने पड़े, क्या कुछ करना पड़ा। सोचिए वो जल कहां कहां से गिरा होगा, किन किन चट्टानों से जाके टकराया होगा, कैसी तीक्ष्ण रेखाओं का सामना किया होगा, उसे कैसे लांघा होगा, अपने तन में समाहित उन पत्थरों से कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे आगे बढ़ा होगा। सोचिए ये सब होने के पश्चात ही ये संगीत सुनना संभव था। ये झरने का ये सुंदर संगीत आपके कान तक कभी पहुंचता ही नहीं यदि उस जल का विरोध करने वाले पत्थर ना होते। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य एक ही है, इन बाधाओं का सामना करें, इनसे दूर ना भागे, क्योंकि ये बाधाएं ये नैसर्गिक, सभी के जीवन में ये बाधाएं आती, इनका सामना करें, जीवन में आगे बढ़े। और आप भी स्वयं से उत्पन्न कीजिए ये नैसर्गिक संगीत, और इस संसार में फैलाइए शांति और प्रसन्नता। राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं आप, कितना सुंदर है ये पुष्प। हर कोई चाहता है कि ऐसे किसी पुष्प को वो अपना ले, अपने पास रख ले। अब सोचिए पुष्प को ये जो सम्मान मिलता है ये किस कारण से मिलता है? केवल इसलिए कि ये सुंदर है। चलिए आपको कुछ समझाता। ये पुष्प जब डाली पर होता है सुगंध से हमें आकर्षित करता। इसी पुष्प की यदि आप माला बनाओ, किसी मूर्ति पर चढ़ा तो ये आदर का प्रतीक बनता है।
अब यही पुष्प यदि आप शैया पे बिछा दो तो आप वो दृश्य देखकर आप उस सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। किंतु सोचिए, यही पुष्प यदि ये आप अर्थी पर सजाते हैं तो इस पुष्प का कोई सम्मान नहीं करता। कैसी बात है, वही पुष्प है इस परिस्थिति में इसे सम्मान मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यही छिपी है एक महत्वपूर्ण सीख। इसका सार ये है कि सम्मान व्यक्ति या वस्तु का नहीं किया जाता, सम्मान किया जाता है समय और स्थिति का। अब समय जो है, समय हमारे वश में तो है नहीं, हमारे वश में है स्थिति। हमारी स्थिति कैसी होगी इसका निर्णय स्वयं हम लें, और जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा हमारा सम्मान होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सफलता, सफलता कौन नहीं पाना चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता स्वयं आकर उसके कदम चूमे। अब सफलता कदम केवल उनके चूमती है जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो स्वप्न की आशा में उड़ते नहीं, जो यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं, वो भी दृढ़ता के साथ। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पे बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं चलकर उनके पास जाती है जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने इस जीवन को दूसरों के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। तो चयन आपका है। सफल सभी होना चाहते हैं, स्वप्न सभी साकार करना चाहते हैं। स्वप्न तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे, और सफलता तभी तक आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समस्याएं, अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती। हर एक के जीवन में समस्याएं होती, और ठीक है जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती ही, किंतु क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, आप सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। ये अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना ना कह पाना ये आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, सदैव सोच समझ कर ही हाँ कीजिए, और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए, और विश्वास कीजिए आपका जीवन अत्यधिक सुखमय हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।